भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं, आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है।